ये छत्तीसगढ़ पुलिस की महिला कांस्टेबल अंजना सहिस है। अंजना पिछले 9 महीने से लापता थी। छत्तीसगढ़ पुलिस ने अंजना के लिए चप्पा चप्पा छान मारा, अंजना नहीं मिली। लेकिन अब अंजना यूपी के वृंदावन से मिली है, वो भी कृष्ण मंदिर के सामने फूल बेचते हुए। जैसे ही छत्तीसगढ़ की पुलिस को इसकी जानकारी मिली, पुलिस की टीम वृंदावन पहुंच गई और अंजना को वापस लाने की खूब कोशिश की गई, लेकिन अंजना वापस जाने को तैयार नहीं है। वो वृंदावन में ही रहना चाहती है, लिहाजा मजबूरी में छत्तीसगढ़ पुलिस को खाली हाथ ही लौटना पड़ा। रायगढ़ जिले से बिना नंबर ही गुम इंसान कायम होकर आया था, राजेंद्र थाने में गुम इंसान दर्ज किया था। उसके पता तलाश के लिए हमारी टीम लगी थी। इसी बीच में उनके वृंदावन में होने की जानकारी मिली थी, हमारी टीम वहां पे गई थी और उसका कथन लेकर के उसको दस्तयाब किया है। उसने अभी वहीं पे रहने की इच्छा जाहिर की है, तो उसको चूँकि वो वयस्क है तो वहीं पे छोड़ के पुलिस टीम दस्तयाब करके आ गई है। सर कुछ अधिकारियों से भी नाराजगी बता रही है? नहीं, अभी ऐसा कोई उनके द्वारा लिखित में या ऐसी कोई शिकायत नहीं की गई थी। चूँकि गुम इंसान कायम किया गया है तो गुम इंसान की जो विधिवत औपचारिकता होती है वो पूरी की। आपको बता दें कि जिस वक्त अंजना गायब हुई थी उस वक्त उसकी पोस्टिंग सीआईडी में थी, लेकिन 9 महीने पहले अचानक अंजना गायब हो गई। इसके बाद अंजना की मां ने 21 अगस्त को गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसके बाद राजेंद्र नगर पुलिस ने अंजना को तलाशना शुरू किया। बताया जा रहा है कि नौकरी के दौरान अंजना परेशान रहती थी। उसने अपने साथी कर्मचारियों से कई बार इसका जिक्र भी किया था। बताया जा रहा है कि वो कुछ अधिकारियों के व्यवहार से भी खफा थी। फिलहाल अंजना ने साफ कह दिया है कि वो अब कहीं नहीं जाना चाहती। वो वृंदावन में भगवान कृष्ण की आराधना करते हुए अपनी जिंदगी गुजारना चाहती है। रायपुर से महेंद्र नामदेव की रिपोर्ट, एमपी तक।